आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कलेक्टर साहब, आपको गर्ल्स कैसी लगती हैं? दौसा जिले के कलेक्टर से स्कूल की छात्राओं ने ये सवाल पूछा तो कलेक्टर साहब ने भी बड़ी ही सूझबूझ के साथ जवाब दे दिया, ब्यूटीफुल। मौका था दौसा जिले में स्कूली छात्राओं के साथ जिला कलेक्टर के संवाद का। कलेक्टर कमर चौधरी ने नन्ही छात्राओं से पढ़ाई से लेकर उनकी हर समस्या पर खुलकर बात की और समाधान का भी पूरा भरोसा दिया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा स्कूलों की 5वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने हिस्सा लिया था। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ़ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ़ रहेगा। सबसे पहले बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उनके सवाल क्या होंगे, उन सवालों के किस तरीके से जवाब। आज जैसे आप टीम में देखेंगे तो जो हमारे ज़िले में लेडी आर एस ऑफिसर्स हैं, महिला डॉक्टर हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, पूरा इस तरीके से हमने ऑफिसर्स का एक डाइवर्सिफाइड तरीके से उनको बुलाया है ताकि उनका अगर किसी भी स्ट्रीम से संबंधित सवाल हो तो उनके सवाल का जवाब दिया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके, घर जाके जब वो अपने पेरेंट्स को बताएं वो पेरेंट्स मोटिवेट हो सकें और कुछ अच्छा निकल के एक रिजल्ट आए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है। दौसा के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेक्स रेशो में कमी आई है, उसी को देखते हुए सरकार की इस पहल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक संकल्प है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बीच में आगे हम अच्छे से काम करें, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सक्सेस कितना रहता है वो आप लोग ही रिपोर्ट कार्ड देंगे। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली नव्या का सवाल तो कलेक्टर साहब को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसके लिए कुर्सी खाली कर दी। नव्या को एक दिन के लिए दौसा का जिला कलेक्टर बनाया गया। एक दिन के लिए कलेक्टर बनते ही नव्या ने स्कूल में लाइब्रेरी बनवाने का आदेश पास कर दिया। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। तो उसके बाद में आपको क्या कलेक्टर की सीट पे बिठाया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज फिर आपने कोई संकल्प लिया, प्रण लिया कि लाइफ में आप भी इस कैसा कुछ सोचा? हाँ, मैंने भी सोचा। क्या सोचा है? मैंने सोचा कि मैं भी कोई ऐसी है ना अच्छी पोस्ट पे आऊंगी जिससे मुझे भी ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा। जिला कलेक्टर से छात्राओं ने काफी देर तक संवाद किया, पढ़ाई के टिप्स लिए। छात्राओं ने कलेक्टर साहब से ये भी पूछा कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की थी जिसकी वजह से वो कलेक्टर बने। सर के साथ एकदम कन्वर्सेशन करके अच्छा लगा मेरे को, और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटजीज बताई थी कुछ कि जितना अपना सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बहुत प्रेरणा मिली, बहुत मोटिवेट हुई हूँ मैं उनसे। क्यों सोचा यही है कि बस जो मेरा टारगेट है उसको अच्छे से अचीव करना है। जैसा जैसा सर ने बोला है कि अपने गोल्स की तरफ देखना है और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी और चीज से बस। दौसा जिले में लिंगानुपात में काफी कमी दर्ज की गई है। बेटे और बेटियों का रेशियो बराबर करने और बेटियों को सुरक्षित रखने के मकसद से ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को सफल बनाया जा सके। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।